पंजाब असम्बली के अराकीन के लिए हदायतनामा जारी। अराकीन असम्बली से हलफबरदारी के इजलास में मेहमान साथ लाने से माजरत कर ली गई है। तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा मजीद क्या हदायत जारी की गई हैं? आज बिल्कुल कल पंजाब असम्बली के नौ मंथली अरकान हल्फ उठाने जा रहे हैं, तो इससे पहले जो है अरकान असम्बली को एक तहरीरी हदायतनामा जारी किया गया, जिसमें उनसे इस्तदा की गई है कि हल्फ बर्दारी के इजलास के मौके पर वो मेहमान साथ ना लाएं। इस हवाले से माजत करते हुए बताया गया है कि फिलहाल जो असम्बली की गुंजाइश है वहाँ पर मौजूद अरकान के साथ मेहमानों को बैठाने की जो है वो जगह नहीं है, इसलिए वो मेहमानों को साथ ना लाने की जहमत ना करें। दूसरा उनसे कहा गया है कि फौरी तौर पर असेंबली में अपनी जो है वो शनाख्ती कार्ड की 3 कापियां और 6 तस्वीर जो है वन बाय वन की वो फौरी असेंबली सेक्रेटरी के कार्ड के लिए जो है वो अरसाल की जाए। अरकान असेंबली को यह भी हदायत की गई कि अपनी गाड़ियाँ जो है वो न्यू एमपी हॉस्टल के साथ जो पार्किंग है वहाँ पर पार्क की जाए, और जो अरकान असेंबली है उनको कल जब वो इलाके में शिरकत के आएंगे तो असेंबली के दाखिली गेट पर जो है उनको एक हेल्प डेस्क पर रिव्यू करना होगा। वहाँ पर उनको असेंबली कार्ड फ्राहम किए जाएंगे जिनकी बुनियाद पर वो अंदर दाखिल हो सकेंगे। असेंबली में फिलहाल गुंजाइश नहीं, इसलिए मेहमान साथ लाने से माजरत कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।